यही करवाते थे क्या? चलिए दोनों करते थे, ठीक फोटो मेन कौन है? मैं सूरज बना लो या विजुअल बना लो फटाफट। दस हजार से ऊपर का जब ट्रांजेक्शन होता है तो ओटीपी के बाद उसमें मतलब पिन डालने के बाद भी ओटीपी मांगे जाते हैं, उसको कैसे लोग निकालते हैं? सर वही निकालते थे सूरज सरोज, सूरज सरोज सर पैसा निकालते थे। हमको डिवाइस दिए थे एक मिनी DX5, उसने कहा इसमें तुम डाटा क्लोन करके हमको देना तो हम आपको फ़ोन करेंगे, हमको डाटा दे देना तो हम आपको पैसा निकालवा के देंगे। अभी हमको 1.5 महीना हुआ करते हुए, ज़्यादा ज़्यादा 20-25 डाटा किए हैं, अभी तक 1 रुपये भी हमको पैसा नहीं मिला। 30 सर ट्रांजेक्शन नहीं करते थे हम लोग सर, सिर्फ डाटा हम क्लोन करते थे सर बस। ट्रांजेक्शन कौन करता था? ट्रांजेक्शन सूरत करते थे। वो कहाँ है सर? घर पे होंगे, प्रतापगढ़ में है। तो कितना मिलता था तुमको, क्या बात हुई थी? बात कहे थे कि हम तुमको 25,000 रुपये महीना देंगे। तो तुमने कैसे मतलब गए के जो जो होते थे पैसा निकालने, उनको कैसे बताते किस तरह से उनका वो करते थे क्लोन? सर एक छोटी डिवाइस थी उसमें जो नहीं निकलवा पाता था वो कहते थे निकलवा दो, फिर ATM में उनका पैसा निकलवाते थे, ATM से फिर अपनी छोटी डिवाइस में अपने एक बार स्वैप कर लेते थे। कभी कभी पिन देख पाते थे, नहीं देख पाते थे तो जो नहीं देख पाते थे उसका नहीं लिखते थे, वो भी डाटा आ जाता था, उससे कोई मतलब ही नहीं था। कितने महीने से कर रहे थे? सर 1.5 महीने से सर, अभी तक कुछ पैसा नहीं मिला। सूरज सरोज नहीं सिखाया था सर, उन्हीं ने सिखाया जी सर। लगातार इस तरह के अपराध की संख्या बढ़ती जा रही है, खासकर साइबर क्राइम की, इस पर पुलिस कैसे रोक लगाएगी? क्योंकि जैसे जैसे घटनाएं आती जाती हैं साइबर क्राइम की घटनाएं काफ़ी बढ़ रही हैं। देखिए इसमें हम लोगों को दो तरीके से काम करना है। सबसे पहला ये है कि अभी भी लोगों में, आम जनता में जागरूकता की कमी है और वो किसी भी झांसे में आकर या ऐसी कॉल्स को अटेंड करके, स्पैम कॉल्स को अटेंड करके अपना OTP और अपने KYC की जो महत्वपूर्ण गोपनीय जानकारी है वो रिवील कर देते हैं। तो इसमें हमारी साइबर हेल्पलाइन है, उस पर इस तरह की कॉल्स आ सकती हैं। हर साइबर हेल्पलाइन पे जब भी कोई कंप्लेंट आती है तो हर बैंक में एक नोडल अधिकारी नियुक्त है, जिस नोडल अधिकारी के पास वो सूचना जाती है और तुरंत वो कॉपरेट करके ऑनलाइन जितनी भी पेमेंट गई है उसको फ्रीज करने का प्रयास करते हैं। मैम पकड़े गए जो अपराधी हैं वो कहाँ कहाँ के रहने वाले हैं? इसमें 3 अपराधी प्रतापगढ़ के हैं और जो लाखन है वो रायबरेली का मूलतः निवासी है, लेकिन ये लोग लखनऊ में ही काफी टाइम से सक्रिय थे, जिनकी गिरफ्तारी थाना सरोजनी नगर में। आपराधिक इतिहास क्या है इनका? आपराधिक इतिहास अभी तस्दीक किया जा रहा है। ये इनकी गिरफ्तारी कहाँ से हुई है, प्रतापगढ़ या लखनऊ? नहीं लखनऊ, लखनऊ के क्षेत्र से इनकी गिरफ्तारी। पिन कैसे पाते थे? इनके पास जो क्लोनिंग डिवाइस है इनका, आप देखेंगे कि बहुत छोटा सा ऑक्सीमीटर जैसा दिखने वाला एक डिवाइस है, उसमें उसको स्वाइप कर लेते थे, उसका पूरा डेटा जो है वो उस डिवाइस में आता था, उसको अटैच करते थे लैपटॉप के साथ और फिर लैपटॉप में पूरी उनकी डिटेल्स आ जाती थी, इवन उनके सिक्योरिटी फीचर्स जो हैं ATM के वो भी आ जाते थे और उनसे फिर अपना ये नया ATM कार्ड बना लेते थे, वो सारे सिक्योरिटी फीचर्स और KYC डेटा उसके ऊपर ट्रांसफर हो जाता था और उसको एज ओरिजिनल ATM कार्ड ही लोग चलाते थे। पिन कैसे जनरेट करते थे? दूसरी बात जो OTP का है, जो फंक्शन है उसको कैसे ऑपरेट करते हैं, क्योंकि मोबाइल पे OTP आता है? नहीं इसमें जो मोबाइल पे OTP आता है, लेकिन ये कैसे इसमें सिम कार्ड जब ये ATM वो करते हैं, क्लोन करते हैं, उसके बाद कैसे ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किए हैं? एक इनके, इनसे ही जानकारी करने पर पता चला है एक और का नाम, जो इनका मेन जो लीडर है वो वांछित है। अब उससे और जानकारी करने पे और विवेचना में हो सकता है कि इसमें और लोगों का भी नाम सामने आए। सभी लोग गिरफ्तारी कहाँ से हुई? ये लखनऊ के ही अलग अलग क्षेत्र से गिरफ्तारी हुई है, ये लोग लखनऊ में ही सक्रिय थे। हमारे पास केसेस अगर इस तरह के आते हैं जिसमें कि कोई ऐसा फ्रॉड हुआ है कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति के नाम पर लोन ले लिया गया है और KYC दूसरे व्यक्ति का लगा दिया गया है और उसमें अगर उनका सिविल ख़राब हुआ है, अगर इस तरह के प्रकरण है या कोई इंश्योरेंस फ्रॉड के प्रकरण हमको मिलते हैं, कोई फॉर्जरी के प्रकरण हमको मिलते हैं, तो उसमें यदि उसमें बैंक के किसी एम्प्लॉय की या किसी वहाँ के कॉन्ट्रेक्चुअल या सफाई कर्मी अटेंडेंट इस तरह की किसी कर्मचारी की संलिप्तता रहेगी तो उसके विरुद्ध डेफिनेटली एक्शन लिया जाएगा। हमने कल रखा बैंक्स के सामने, हमने रखा और उसमें कई नेशनलाइज्ड बैंक्स के साथ साथ प्राइवेट बैंक्स के भी मैनेजर्स भी आए,
एक एक दो AGM रैंक के भी अधिकारी वहाँ पर उन्होंने प्रतिभाग किया इस मीटिंग में, और हमने ये उनके सामने रखा कि जो RBI की गाइडलाइंस हैं उनका 100% अनुपालन नहीं किया जा रहा है। आप देखेंगे कि जहाँ पर उनका कैश का मूवमेंट है तो निर्धारित अमाउंट पर कैश वैन को ले जाने का या सशस्त्र सुरक्षा के साथ जाने का या ATMs में और बैंक प्रीमिसेस में जो सुरक्षा गार्ड लगी रहनी चाहिए उसके मानकों के संबंध में उनसे चर्चा हुई है, और वो उन सभी लोग इन चर्चा के जितने भी बिंदु थे सभी पर वो लोग सहमत थे, और उसमें अब हम लोग एक उसमें कार्यवृत्त भी अपना जारी करेंगे जिससे वो लोग अपनी गाइडलाइंस की क्लोजेस्ट टू द गाइडलाइंस वो लोग अडियर करें। नहीं, इसमें जो मोबाइल पे OTP आता है, लेकिन ये कैसे इसमें सिम कार्ड जब ये ATM वो करते हैं क्लोन करते हैं तो उसके बाद कैसे ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कैसे करते थे? कल इसमें हम लोगों ने नरही में ही एक जगह बैंक मैनेजर्स और जो NBFCs के जो हेड्स हैं उनके साथ एक गोष्ठी भी की थी, और उसमें भी उनके द्वारा इस तरह के कई प्रॉब्लम्स हमारे साथ शेयर किए गए जिसमें ATMs के पास इस तरह के डिवाइसेज हैं, स्पाई कैमराज लगे रहते हैं उनके ऊपर, जब भी कोई व्यक्ति अपना पिन उसमें डालता है तो वो उसकी रिफ्लेक्शन से वो चेक कर लेते हैं कि क्या पिन डाला, और जनरली ये लोग उसी के आसपास घूमते हैं। तो कल उनके साथ भी हमने गोष्ठी की, वो भी काफ़ी सक्रिय रही है, और जैसे आपने हमसे पूछा इस तरह के कई सवाल और कई कंसर्न्स उन्होंने हमारे साथ शेयर किए। अब क्योंकि कोविड के बाद से हमारा जो ऑनलाइन डेट ट्रांजैक्शन का जो माध्यम है वो बढ़ा है, तो उसके चलते हम लोग उसमें और इश्यूज पे भी काम कर रहे हैं। एक सवाल मैं बहुत अहम है कि जो ATMs कार्ड है पहले सिक्योरिटी गार्ड रहते थे। देखिए, इसमें हम लोगों को दो तरीके से काम करना है। सबसे पहला ये है कि अभी भी लोगों में, आम जनता में जागरूकता की कमी है, और वो किसी भी झांसे में आकर या ऐसी कॉल्स को अटेंड करके, स्पैम कॉल्स को अटेंड करके अपना OTP और अपने KYC की जो महत्वपूर्ण गोपनीय जानकारी है वो रिवील कर देते हैं। तो इसमें हमारी साइबर हेल्पलाइन है, उस पर इस तरह की कॉल्स आ सकती हैं। हर साइबर हेल्पलाइन पे जब भी कोई कंप्लेंट आती है तो हर बैंक में एक नोडल अधिकारी नियुक्त है, जिस नोडल अधिकारी के पास वो सूचना जाती है और तुरंत वो कॉपरेट करके ऑनलाइन जितनी भी पेमेंट गई है उसको फ्रीज करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि इसमें वो कहां कहां के रहने वाले हैं? इसमें 3 अपराधी प्रतापगढ़ के हैं और जो लाखन है वो रायबरेली का मूलतः निवासी है, लेकिन ये लोग लखनऊ में ही काफ़ी टाइम से सक्रिय थे, जिनकी गिरफ्तारी थाना सरोजनी नगर ने किया है। आपराधिक इतिहास अभी तस्दीक किया जा रहा है। इनकी गिरफ्तारी कहाँ से हुई है, प्रतापगढ़ से या लखनऊ? नहीं, लखनऊ के क्षेत्र से इनकी गिरफ्तारी की गई। पिन कैसे पाते थे? इनके पास जो क्लोनिंग डिवाइस है इनका, आप देखेंगे कि बहुत छोटा सा ऑक्सीमीटर जैसा दिखने वाला एक डिवाइस है, उसमें उसको स्वाइप कर लेते थे, उसका पूरा डेटा जो है वो उस डिवाइस में आता था, उसको अटैच करते थे लैपटॉप के साथ, और फिर लैपटॉप में पूरी उनकी डिटेल्स आ जाती थी, इवन उनके सिक्योरिटी फीचर्स जो हैं ATM के वो भी आ जाते थे, और उनसे फिर अपना ये नया ATM कार्ड बना लेते थे, वो सारे सिक्योरिटी फीचर्स और KYC डेटा उसके ऊपर ट्रांसफर हो जाता था और उसको एज ओरिजिनल ATM कार्ड ही लोग चलाते थे। कैसे जनरेट करते थे? दूसरी बात जो OTP का है,